दोस्तों आज हम मौजूद हैं लखनऊ में और आपको लेकर चलने वाले हैं रेजिडेंसी पार्क। अगर आप दोस्तों बस से आ रहे हैं तो आप चारबाग बस स्टेशन आ सकते हैं, ट्रेन से आ रहे हैं तो चारबाग रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, दोनों आमने सामने हैं। और फिर यहां से रिक्शा करके आप केसरबाग चौराहे आ सकते हैं, जिसका चार्ज यहां के रिक्शे टेम्पो वाले 15 रुपये चार्ज करते हैं। और दोस्तों यहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पे रेजिडेंसी पार्क है। और दोस्तों केसरबाग चौराहे के ठीक बगल में केसरबाग बस स्टेशन भी है। दोस्तों केसरबाग चौराहे से रेजिडेंसी पार्क की दूरी मात्र 500 मीटर की है, तो आप चाहे तो पैदल आ सकते हैं, पैदल आने में मात्र 10 मिनट समय लगता है। चलते हैं दोस्तों टिकट खिड़की तरफ और टिकट लेते हैं। दोस्तों यहाँ 1 पर्सन का टिकट 25 रुपये का है और फॉरेन विदेशियों का टिकट 300 रुपये 1 पर्सन का है। तो दोस्तों हमने टिकट ले ली है, चलते हैं अंदर। और दोस्तों ये अंदर इंटीग्रेट करना जा रहा है। और दोस्तों यहाँ से चेकिंग करा के अंदर आना होता है। अंदर आप कोई भी खाने पीने का सामान लेकर नहीं आ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ना ही अंदर किसी प्रकार की कोई कैंटीन है, तो आप बाहर से खा पी कर आए। और टॉयलेट वगैरह करना है या पानी पीना है तो दोनों मेन एंट्री गेट पे हैं, या फिर आपको एकदम लास्ट में मिलेंगे। पार्क काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। दोस्तों ये बेली गारद गेट है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण नवाब शहादत अली खान ने 19वीं सदी के पूर्व में करवाया था। दोस्तों बेली गारद गेट के ठीक बगल में पूरे रेजिडेंसी पार्क का मानचित्र लगाया गया है, जिसे देखकर और जिसमें बताया गया है कि क्या चीज़ कहाँ पे मौजूद है, तो आप आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों ये नेटिव अफसर भवन है और ये ठीक सामने कोषागार भवन है। और दोस्तों यहाँ की हर इमारत गोला बारूद से क्षतिग्रस्त है, जिसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ मौजूद किसी भी इमारत में आपको छत नहीं मिलेगी, करीब हर इमारत की छत गोले और बारूद से क्षतिग्रस्त है और हर इमारत एक इतिहास को समेटे हुए है। और दोस्तों इस रेजिडेंसी पार्क में जो सबसे खास चीज़ है वो है यहाँ की मस्जिद, जिसे मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो अंत तक मेरे साथ मेरे वीडियो बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। और दोस्तों मैं इस रेजिडेंसी पार्क की हर एक चीज़ को आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये स्मारक उन वीर शहीदों के नाम पे बना हुआ है जो इस रेजिडेंसी पार्क और लखनऊ की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उनके नाम इस शिलापट पे मौजूद हैं। दोस्तों ये नेटी हाउस मूलतः एक बहुसंरचना थी, जिसका उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी की 13वीं नेटिव इन्फेक्ट्री में काम करने वाली भारतीय सैनिकों के निवास के रूप में किया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय इस इन्फेक्ट्री का नेतृत्व लेफ्टिनेंट इटफिंग ने किया था, अतः इस मोर्चे का नाम इटफिंग पोस्ट पड़ा और इमारत का नाम नेटिव अफसर बिल्डिंग रखा गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी नागरिक अवस्थिति के कारण यह मोर्चा अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। घेराबंदी के दौरान भीषण गोलाबारी के कारण यह भवन क्षतिग्रस्त हो गया। और दोस्तों यहाँ पे करीब करीब हर दिन बड़ी संख्या में अंग्रेजों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों ऐसे ही पार्क सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है और ये मॉर्निंग में 7 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स रूप में जाने जाने वाला ब्रिटिश रेजिडेंसी ब्रिटिश राज के दौरान अवध अब उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल के निवास के रूप में कार्य करता था। इसका निर्माण नवाब असद उद्दौला की देखरेख में 1780 और 1800 के बीच हुआ। इसे बाद में नवाब शहादत अली खान ने पूरा किया। दोस्तों ऐसे इमारत को दावत खाना भी कहा जाता है। यह आए हुए मेहमानों के सम्मान में दावत का आयोजन किया जाता था। दोस्तों ये ब्रिटिश रेजिडेंसी यूरोपीय और इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। यह परिसर 33 एकड़ में फैला है और इसमें कई संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें रेजिडेंसी बिल्डिंग, वैंक्वेट हॉल, टेजरी हाउस, बेली गार्ड गेट, डॉक्टर फेयर का घर, बेगम कोठी, चर्च और कब्रिस्तान। एक मेमोरियल संग्रहालय भी है जिसमें इस पार्क की कई ऐतिहासिक चीजें रखी हुई हैं। दोस्तों जो आप ठीक सामने मस्जिद देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में इमामबाड़ा है, जिसकी छत तो तोप के गोलों से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन लोग बताते हैं इस मस्जिद पे 100 तोप के गोले गिरने बाद भी आज भी इसकी एक ईंट भी नहीं ली है और ये मस्जिद वैसे की वैसे ही मौजूद है और इसमें आज भी नमाज पढ़ी जाती है। और इस मस्जिद के चारों तरफ कुएं बने हुए हैं,
लेकिन वो क्यों अब बंद हो चुके हैं तो उनका कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। अभी मस्जिद के गेट बंद है, खुलने पर हम आपको ऊपर लेकर भी चलेंगे। दोस्तों, जब अवध में नवाबों का शासन था और ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, तब नवाब असाबुद्दौला, जिनका शासन 26 जनवरी 1775 से 21 सितंबर 1797 तक राजधानी रही अयोध्या से लखनऊ स्थानित कर दी गई। वहां बसी ब्रिटिश कॉलोनी भी स्थानित होकर नवाब साहब ने लखनऊ में ब्रिटिश आवास के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इस तरह लखनऊ में ब्रिटिश रेड एजेंसी अस्तित्व में आई। दोस्तों, सिख स्क्वायर है, दो वर्गाकार चहदीवारी से घिरा हुआ है। यह भवन 1857 की घेराबंदी के समय कैप्टन हार्डिंग के नेतृत्व में सिख टुकड़ी द्वारा सर्जित था, इसलिए इसे सिख स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वापस हम चलते हैं मस्जिद तरफ। गेट खुल चुका है, हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। दोस्तों, इसकी सीढ़ियां काफी जर्जर हो चुकी हैं और ये देख सकते हैं ऊपर से आप इस मस्जिद का नजारा, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण विलायती बेगम की बहन असरफुन्निसा ने बेगम कोठी के ठीक बगल में बनवाया था। और दोस्तों, ये इस परिसर का ये रसोई घर था, जो ये भी क्षतिग्रस्त है। और दोस्तों, ये बेगम कोठी है, इसका निर्माण असबुद्दौला ने करवाया था। दोस्तों, यह परिसर ओमनी का घर है। पहले यह भी दो मंजिला हुआ करता था, पर अभी क्षतिग्रस्त होके इसके निशान ही बचे हैं। दोस्तों, यह इस परिसर का सबसे बड़ा कुआं है, जिसका उपयोग यहाँ पे नवाब खानदान के परिवार के लोग और बाद में अंग्रेजों के लोग करते थे, और यह पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। और यह भी दोस्तों कुआं ही था। और दोस्तों, इस परिसर में कासिम सैयद की मजार भी बनी हुई है। और दोस्तों, ठीक सामने 1857 मेमोरियल संग्रहालय है। और दोस्तों, इसमें शिलालेख, पुरानी तस्वीरें, पेंटिंग, कागजात, बंदूकें, तलवारें, तोपे और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। और दोस्तों, ठीक सामने हेनरी लॉरेंस का स्मृति स्तंभ है। और दोस्तों, संग्रहालय के ठीक आगे दो तोप स्थापित है, और संग्रहालय के ठीक पीछे भी दो तोप स्थापित है। और फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं। और दोस्तों, वैसे ये रेजिडेंसी का मुख्य भवन है, इसे मुख्य इमारत यहाँ बोला जाता है। और ये ठीक बगल में रेजिडेंसी का भव्य पार्क है। तो दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं सेंट मेरी चर्च और कब्रिस्तान। दोस्तों, इस परिसर में पहले चर्च भी बनी हुई थी, और वैसे तो देखने में पूरा कब्रिस्तान ही दिखती है। और दोस्तों, कहा जाता है यहाँ पे लगभग 200 अंग्रेजों की कब्रें हैं। और दोस्तों, 1810 में इसे निर्मित किया गया था। कथित शैली वाले चर्च का उपयोग घेराबंदी के दौरान अनाज के लिए और खार भंडार के रूप में किया जा गया। वर्तमान में इसके केवल 2-3 फीट अवशेष ही देखे जा सकते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा पूर्ण रूप से कब्रिस्तान से घिरा हुआ है। और दोस्तों, रेजिडेंसी परिसर में बना सुलभ शौचालय है, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए है, जो कि संग्रहालय से ठीक 500 मीटर पहले बना हुआ है। ये ठीक सामने ठंडे पानी का पेयजल है, जो कि निःशुल्क है। तो दोस्तों, चलते संग्रहालय के अंदर। वैसे दोस्तों, संग्रहालय के अंदर कैमरा मोबाइल ले जाना मना है, तो हम इसके अंदर किसी ने आपको नहीं दिखा सकते हैं, और जितना आप बाहर से देख सकते हैं देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द।